एसपी के अंदर में जो रिकवरी हुआ, जैसे कोई मोबाइल चोरी किया, बाइक चोरी किया, आपका पाइप नंबर्स, आपका बाइक, आपका मोबाइल दो तीन नंबर्स, और एक हम लोग का निशी में जो पक्का मनी बोलता है, और यह आप लोग के सामने में तो साइड और 1.5 करोड़ का है, तो वो जो है उन लोग रिकवरी किया और आज उसको हैंड ओवर किया है। तो ये एक दर्शाता है कि पुलिस और पब्लिक के बीच में एक अच्छा एक ब्रिज बनेगा, क्योंकि पब्लिक ये सोचता है कि पुलिस हम लोग को दूसरा नज़रिया से देखता है और हम लोग को कोऑपरेट नहीं करता है, पुलिस कभी भी केस उसमें फंसा देता है, इस तरह की पब्लिक कुछ लोग सोचता है, लेकिन ऐसे नहीं है। पुलिस डिपार्टमेंट जो है हमेशा एक जो किसी भी स्टेट का हो वो एक अच्छा काम करके अपना जनता को सुविधा, उनका जो दुख दर्द को दूर करने के लिए, उनका जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट हमेशा आगे रहता है, और इसमें हमारा अरुणाचल का पुलिस अच्छा नाम कमा के रखा हुआ है। और मैं आज देखते हुए इसमें जो 3 जो पुलिस थाना का जो इंचार्ज है, एसपी है, और इसमें जितना ओसी है, इन सभी ने और उनका जो टीम है, जो ऑफिसर से लेकर कॉन्स्टेबल तक, उन लोग ने बहुत मेहनत किया और ये समय रहते रिकवरी हुआ और आज खुद मालिक को हैंड ओवर किया बिना तकलीफ देते हुए। कभी कभी घुमा फिरा के आप कल आओ परसों आओ, ऐसे कोई पुलिस थाना में कोई भी ऐसे भी हो जाता है, लेकिन आज उन लोग खुद पब्लिक दरबार की जैसे यहाँ बुला के उन सभी को हैंड ओवर किया, और मैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और मैं ये भी अपील करना चाहूँगा कि भगवान से भी दरख्वास्त करना चाहूँगा कि प्रार्थना करना चाहूँगा उन सभी का हेल्थ अच्छा हो और फैमिली सुख शांति में रहे, और उन लोग हमेशा जनता के लिए इसी तरह अच्छा काम करें, ईटानगर का जो पब्लिक के लिए और अच्छा काम करें। और मेरा ओर से मैं हमेशा उन सभी का साथ है, जो अच्छा काम करता है उन सभी का साथ हमेशा रहूँगा और उन लोग का साथ मिल के चलने का कोशिश करूँगा। चाहे हम जनता से भी अपील है, आप पुलिस पे भरोसा रखो, सरकार पे भरोसा रखो। पेमा खांडू का सरकार बहुत एक अरुणाचल में ईमानदारी और एक अच्छा काम अरुणाचल को देने का कोशिश कर रहा है, और वो आगे भी करेगा। उसमें हर जनजात को, हर धर्म का जो पालन करने वाला और हर जो नौजवान है, उन सभी आगे आना चाहिए। सरकार का साथ मिल के, पुलिस डिपार्टमेंट का साथ मिल के, गाँव का जो प्रॉब्लम है, गाँव में जो छोटा छोटा बात में लड़ाई झगड़ा होता है, वो सबको दूर करने में सक्षम होगा। और पुलिस डिपार्टमेंट ने शुरू किया, उसको आगे तक उन लोग ले जाएगा, और इसमें बहुत लोग को सुविधा मिलेगा, मैं उम्मीद रखता हूँ। अंदर में हम लोगों ने प्रोग्राम किया था, इसमें हम लोगों का आज का जो फोकस था अवेयरनेस का साथ साथ में, हम लोग जो मोबाइल लॉस्ट हो जाता है पब्लिक का बीच में, उस मोबाइल को हम लोगों ने पिछले 1 महीने के अंदर में लगभग 20 मोबाइल्स हम लोगों ने रिकवर किया, और हम लोगों ने पब्लिक को बुला करके यहाँ में प्रोग्राम के अंदर में हम लोगों ने बुला करके दिया है। इसका मकसद ये था कि पब्लिक लोग ये समझें कि आप हमको लॉस रिपोर्ट अगर करता है तो ज़रूरत नहीं है कि आप केसी रजिस्टर करवाना है, आप हमारा पास में आइए, हमारा पोर्टल है, हम लोग उसमें अपलोड करेंगे, और उस पोर्टल में अपलोड करने के बाद उस मोबाइल को हम लोग ट्रेस कर सकते हैं, पर आपको बिना कोई केस रजिस्टर किए हम लोग उस मोबाइल को आपको हैंड ओवर कर देंगे। इसका अलावा हम लोगों ने पिछले 1-2 महीने के अंदर में जो हम लोगों ने 5 2-व्हीलर्स जो है हम लोगों ने रिकवर किया था, उसको भी हम लोग यहीं में ला करके हम लोगों ने पब्लिक को हैंड ओवर किया। और जो लोकल बीट्स हम लोगों ने एक केस सॉल्व किया था, इसमें लगभग 2 करोड़ के आसपास में।
हमारा मकसद था कि कई बार ऐसा होता है कि ऐसे हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि पुलिस हमारा बिहेवियर जो उसके लिए टाइम टू टाइम ट्रेनिंग भी होता है हमारा और इस चीज़ के लिए कि हम पब्लिक का साथ में अच्छा हमारा बिहेवियर रहे। लेकिन इस बार जो ये पुलिस आजीन जो इनिशिएटिव है उसमें हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग पब्लिक का बीच में जाएं और पब्लिक का बीच में जा करके हमारा रिलेशन डेवलप हो और हम लोग का पास में जो हम लोगों ने एक पुलिस आजीन बॉक्स भी हम लोगों ने डाला है उसमें हम लोग ये कर रहे हैं कि अगर आपको इस तरह का कोई कंप्लेन अगर इवन कंप्लेन ही नहीं अगर पुलिस का अगेंस्ट में भी अगर कोई ऐसा इस तरह का कोई बिहेवियर सामने में आता है तो आप उस आजीन में पुलिस आजीन में आप डाल सकते हैं उसमें उस चीज़ को भी हम लोग एड्रेस करें। सर वो कितने दिन में जैसे कि बॉक्स है वो कितने दिन में आप लोग कलेक्ट करते हैं क्या क्या उसको जनरली हम लोग जो रखा है वो 7 डेज हर वीकली हम लोग एक बार जो है हर मंडे को आकर के हम लोग जो उसको ओपन करेंगे और वहाँ में जो भी कंप्लेन होगा उसको हम लोग अपना हायर अथॉरिटी का नॉलेज में लेकर आएंगे और जहाँ तक हम लोगों ने स्कूल में डाला तो स्कूल अथॉरिटी भी साथ में रहेंगे वहाँ में और स्कूल अथॉरिटी का नॉलेज में डाल करके उसको हम लोग बॉक्स को जो भी हमारा उसमें कंप्लेन होगा अगर और वो हम लोग उसको एड्रेस करें। हम पब्लिक से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप लोग इस पुलिस आजीन जो है खास करके स्कूल बच्चे लोगों से कि आप लोग उसमें डालिए अगर एक भी कंप्लेन हमारा पास में आ जाता है अगर तो ये हमारा सक्सेस माना जाएगा। सिर्फ ये नहीं है कि हम पुलिस आजीन बॉक्स वहाँ में सिर्फ इस्टेब्लिश कर रहे हैं और ये हमारा वेलफेयर या आउटरीच प्रोग्राम को हम लोग शो कर रहे हैं। हम लोग ये चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास में अगर एक भी कंप्लेन आएगा तो ये हमारे लिए एक सक्सेसफुल हमारा माना जाएगा कि इसको हमने एड्रेस किया और हमारा इस जो हमारा मोटो है कैपिटल पुलिस का उस चीज़ को पब्लिक समझ पाए। सर जैसे कि टोटल 20 मोबाइल आप लोगों ने रिकवर किया बताया तो जो आप लोगों ने केस या फिर ओनामेंट जो जब्त किया है रिकवर किया वो टोटल कितना का होगा? मोबाइल का लगभग जो है आपका 3 लाख के आसपास में होगा उसका वैल्यू और स्कूटी जहाँ तक है आप अगर 70,000 का अगर पर बाइक को अगर आप 1 लाख भी अगर माने तो लगभग 5 लाख का वैल्यू का हम लोगों ने टू व्हीलर को रिकवर किया।